चरखी दादरी में 12 अक्टूबर से रामलीला मैदान में शुरू होने वाली रामलीला की रिहर्सल पूरी हो चुकी है, जिसके बाद सभी कलाकार रामलीला मंचन के लिए तैयार हैं। पिछले कुछ दिनों से चल रही रिहर्सल के दौरान रामलीला भवन में पहुंचकर रामलीला में अलग अलग पात्रों का किरदार निभाने वाले कलाकारों के द्वारा अपने डायलॉग और अभिनय का अभ्यास किया है। रामलीला की रिहर्सल के साथ साथ रामलीला के मंचन की तैयारियां भी शुरू की गई थी, जिसके लिए रामलीला मैदान के मंच को सुंदर तरीके से सजाया जा रहा है। तो साथ ही रामलीला मंचन के दौरान प्रयुक्त होने वाले विभिन्न पर्दों को भी लगाने का कार्य शुरू कर दिया गया है। रामलीला मंचन के दौरान रामलीला ग्राउंड में लाइट की व्यवस्थाओं को भी पूरा करवाया जा रहा है। रामलीला मंचन का निर्देशन कर रहे रोशनलाल जानगड़ा के द्वारा बताया गया कि रामलीला के सभी कलाकारों ने रिहर्सल के दौरान अपने किरदारों को निभाने के लिए जमकर मेहनत की है और रामलीला शुरू होने पर चरखी दादरी जिलावासी उनके अभिनय को देखकर आनंद ले सकेंगे, तो साथ ही श्रीराम के जीवन चरित्र को देखकर अपना जीवन भी संवार सकेंगे। रामलीला की तैयारियां जोरों शोरों से चली हुई है, सभी कलाकार तैयार हैं। लगभग 15 दिन से रिहर्सल चल रही है और सभी ने तन मन धन से खूब सहयोग कर रखा है कलाकारों ने, और जी जान से जुटे हुए हैं। और इस बार तो मेरा ये मानना है कि रामलीला बहुत ही अच्छी होगी, क्योंकि कलाकारों ने पूरा दमखम लगाया हुआ है। एक एक कलाकार बहुत बहुत तसल्ली बख्श जो है और अपनी तैयारी पे जुटा हुआ है। चरखी दादरी वासियों से क्या अपील करेंगे? चरखी दादरी वासियों से मैं यही कहना चाहूँगा कि ये हमारी बहुत ही पुरानी रामलीला है, इसके देखने के लिए सभी से मैं हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ कि वो रामलीला देखने के लिए ज़रूर आए और अपने बच्चों को भी साथ लेके आए, क्योंकि रामलीला एक मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान की लीला है। इसमें मर्यादाएँ सिखाई जाती हैं, मर्यादाएँ बताई जाती हैं। तो मैं सबसे विनती यही करूँगा कि रामलीला देखने के लिए ज़रूर आए। तैयारियां पूरी एक महीने से चल रही हैं, 15 दिन से तो हमारी रिहर्सल चल रही हैं और ये रामलीला करीबन 90-95 साल इस रामलीला को चलते हो गए हैं। हम भी 35 साल से इस रामलीला से जुड़े हुए हैं और ये रामलीला अपने एरिया में पहली रामलीला है जो चौपाइयों के आधार पर होती है। और मैं सभी से प्रार्थना करता हूँ कि सभी रामलीला देखें और श्री रामचंद्र जी के अपने उनके अनुसरण करें अपने जीवन में, और सभी धार्मिक प्रवृत्ति के लोग आए यहाँ। और सबसे बड़ी बात यह है कि बहुत पुरानी लीला, हमारे कलाकार बहुत ही ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं और हमें ये उम्मीद है कि हर साल से अच्छी इस साल भी रामलीला बहुत बढ़िया तरीके से हो।